गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना और आज जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, और मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का एक क्लास टेस्ट होगा, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। और हर टॉपिक को आप लोग डीपली स्टडी करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जहाँ डाउट है बताते रहिए कि हाँ इस टॉपिक में हमें डाउट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आप लोग जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल, सभी के लिए न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी होते हैं। और यहाँ पे आए मिनरल न्यूट्रिएंट्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स में कौन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस, ओके, देन आयोडीन, जिंक, सोडियम, दीज आर डिफरेंट मिनरल एंड दीज मिनरल आर रिक्वायर्ड इन प्लांट एज द स्पेसिफिक अमाउंट। ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते प्लांट्स में एक स्पेसिफिक अमाउंट्स में। द बेसिक नीड ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल द सेम। द रिक्वायर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर और मिनरल, ये सभी आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जनरली एज द कंडीशन होते दो, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जो क्या होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और माइक्रो मतलब छोटा, जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सभी आ जाए मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लाइक फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड फैट, फोर्थ वाटर और लास्ट मिनरल। तो ये सभी किस में आ जाएंगे बताइए, ये सभी आएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और इन दिस चैप्टर जो आपको स्टडी करना इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन, किस टाइप की न्यूट्रिशन, इनऑर्गेनिक। देन न्यूट्रिएंट्स का वर्क क्या होता है, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। देन सम मैकेनिज्म एंड इन दिस चैप्टर स्टडी एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। देन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा कि मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, और एक साइंटिस्ट है जूलियस बॉर्नसैक, क्या नाम है, जूलियस बॉर्नसैक, कब, 1860। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, जूलियस बॉर्नसैक, 1860, और ये थे जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया फर्स्ट टाइम द प्लांट्स कुड बी ग्रोन टू द मैच्योरिटी, मीन्स द प्लांट्स कुड बी ग्रोन इन द सिंपल मीडियम विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के प्लांट्स की ग्रोथ होना। और इस कंडीशन बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मीन्स दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, प्लांट्स की ग्रोथ हम करवा रहे हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। ओके, द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे बताइए, इसे बोलेंगे हम हाइड्रोपोनिक, मतलब यहाँ पे सॉइल नहीं होगी, प्लांट्स की ग्रोथ क्या होगी, ओनली न्यूट्रिएंट्स मीडियम और अब्सेंस ऑफ सॉइल, यहाँ पे क्या, ओनली न्यूट्रिएंट्स मीडियम, न्यूट्रिएंट्स मीडियम बट अब्सेंस ऑफ सॉइल, सॉइल क्या हो जाएगी, सॉइल अब्सेंस होती है। ओके, देन जनरली इन्वॉल्व विद द सॉइल फ्री कंडीशन। और इस मेथड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट जिसमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता। हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुल इम्प्लाइज अ टेक्निक फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। इसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल सच एज टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, ETC। तो जनरली दिस टेक्निक इट इज़ यूज एज द, इसका यूज हम कहाँ पर कर रहे हैं बताइए, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स।
अब यहाँ पे आता है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, और एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स में क्या क्या रहेंगे, सिलेनियम आ जाएगा, ओके, स्ट्रॉन्शियम आ जाएगा, इस सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि क्रिटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, क्या क्रिटेरिया है। हाइड्रोपोनिक्स तो आ गया समझ में, प्लांट्स की हम ग्रोथ करवा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स मीडियम, बट वहाँ पे क्या नहीं है, सॉइल नहीं है। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द न्यूट्रिएंट्स मीडियम इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, इससे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोपोनिक्स। एक पॉइंट और है कि हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, हम मोर टाइप्स ऑफ प्लांट को ग्रोथ करवा सकते हैं। जैसे आप एक पिक्चर दी गए, एक पिक्चर दी है आपके एनसीईआरटी बुक में, ये वाली देखिए, यहाँ पे क्या देखिए, ज़्यादा प्लांट्स की हम ग्रोथ करवा रहे हैं, यहाँ पे मीडियम से, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मीडियम पास हो रहा है, प्लांट्स की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे क्या इंडिकेट किया गया, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ऑफ कल्चर, यहाँ पे यूज किया गया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में क्या हो रही है, प्लांट्स की क्या हो रही है, ग्रोथ, बट यहाँ पे सॉइल नहीं है, एब्सेंस ऑफ सॉइल, ओके। अब यहाँ पे आता है क्रिटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, क्या क्रिटेरिया है, क्या करेक्टर है एसेंशियलिटी एलिमेंट के। फर्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ, किसमें हेल्प करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ में एंड रिप्रोडक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यदि प्लांट से एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है तो प्लांट की जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एब्सेंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट इट्स अफेक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, ओके। द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाई एनदर एलिमेंट्स, इन अदर वर्ड डेफिशेंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट मीट द सपोर्टिंग अदर एलिमेंट्स। सपोज यदि किसी एलिमेंट की डेफिशेंसी हो जाती है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी मेट सपोर्टिंग अदर, मतलब दूसरा एलिमेंट उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। देन एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट इट हेल्प द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, प्लांट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी, बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स आर टू टाइप, मैक्रो एंड माइक्रो। फर्स्ट क्या आएगा, मैक्रो, और सेकेंड क्या आ जाएगा, माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन दोनों को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट मैक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट, और कितना होता है, 10 mmol/kg पर ड्राई मैटर। द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग क्या है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी आ जाएंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ओके। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्या आएगा, कार्बन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन, नेक्स्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर ऑब्टेन एज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑप्टेन कहाँ से हो रहे, इन्वायरमेंट से, CO2 एंड H2O। और जो अदर है मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ऑप्टेन कहाँ से हो रहे हैं बताइए, ये ऑप्टेन हो रहे हैं सॉइल से, ओके। स्टूडेंट अपने डाउट बताते रहिए कहाँ पे डाउट है। अब इसमें आता है सेकेंड पॉइंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब क्या है, जिसकी क्वांटिटी क्या है, स्मॉल है, और किससे कम है, लेस देन 10 mmol से। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलीविडनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकिल, ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल हैं, ओके। कौन कौन से, फर्स्ट क्या है, आयरन, सेकंड मैग्नीज, थर्ड कॉपर, फोर्थ मॉलीविडनम, फिफ्थ
जिंक, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो, सो वी आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी मैक्रो एंड। अब इसमें मैंने क्या बताया, माइक्रो न्यूट्रेंट्स, माइक्रो क्या होता है लेस क्वांटिटी में, तो इसके एग्जाम्पल भी बताया मैंने, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल। देन इन एडिशन टू 17 एसेंशियल एलिमेंट नेम अबव, देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलेनियम। ये सभी क्या होते हैं, ज़्यादा प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, एंड दे आर रिक्वायर्ड एज द हायर प्लांट। ये न्यूट्रेंट्स, ये एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स में। एसेंशियल एलिमेंट कैन ऑल्सो बी ग्रुप इन टू 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेस्ड ऑन देयर डाइवर्स फंक्शन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया कि जो एसेंशियल एलिमेंट है इनको हम क्लासीफाइड करें 4 कैटेगरीज में, बट किस बेस पे, उनके बेसिक फंक्शन के बेस पे। फर्स्ट पॉइंट, एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। एसेंशियल एलिमेंट किसके कंपोनेंट होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, एंड हैंस स्ट्रक्चर एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फर्स्ट क्या है, कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन और लास्ट क्या नाइट्रोजन। ये सभी एलिमेंट हेल्प कर रहे हैं किसमें, बायो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में। तो एज अ यहाँ पे क्या पॉइंट आया, एसेंशियल एलिमेंट इट हेल्प द स्ट्रक्चर ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, एंड दीज एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या आया बताइए, नाइट्रोजन। पॉइंट नंबर सेकेंड, एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स। एसेंशियल एलिमेंट से क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या होता है मैग्नीशियम, और फॉस्फोरस किस में होता है, एटीपी में। तो इन दोनों को ध्यान रखिए, मैग्नीशियम किस में होता है, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। पहला पॉइंट क्या था, इसके पहले बायो मॉलिक्यूल्स में हेल्प करते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, और इसमें क्या था बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हेल्प कर रहे हैं। दूसरा क्या बताया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसमें था, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या था मैग्नीशियम, और इसी के बाद क्या बताया था सर, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस प्रेजेंट था एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट था, मैग्नीशियम, और एटीपी में क्या था, फॉस्फोरस। देन एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिव द इनहिबिट एंजाइम, एसेंशियल एलिमेंट क्या कर रहे हैं, दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम आयन Mg+2, चार्जेस क्या होता है +2। मैग्नीशियम आयन इज एन एक्टिवेटर बॉथ, मैग्नीशियम आयन क्या करता है, एक्टिवेटर, इसको कहता है बॉथ राइबलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज RuBP। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखिए, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का वर्ग क्या होता है, मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर, एक्टिवेट कर देता है किसको, बॉथ राइबलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ओके, ध्यान सुनना, राइबलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, दो पॉइंट होता है। पहला पॉइंट क्या होता है कि जो मैग्नीशियम आयन होता है एक्टिवेटर होता है, किसके लिए एक्टिवेटर है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, राइबलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और दूसरा पॉइंट क्या, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन, इसका वर्क क्या होता है कार्बन फिक्सेशन में। देन जिंक, जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जिंक का वर्क क्या हो रहा है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज,
एंड मॉलिब्डेनम किस में हेल्प कर रहा, मॉलिब्डेनम इट हेल्प द नाइट्रोजनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो मॉलिब्डेनम का वर्क क्या होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिए, मॉलिब्डेनम इट हेल्प द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये वर्क होता है मॉलिब्डेनम। तो इसमें क्या बताया मैंने, मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम टू। तो मैग्नीशियम आयन्स को एक्टिवेट करता है, राइबलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, और दूसरे किसको करता है, फॉस्फोफिनोल, बताइए, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट्स कार्बोक्सिलेज। देन सम एसेंशियल एलिमेंट कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल्स में ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है। पोटेशियम का वर्क क्या होता है, पोटेशियम इट हेल्प द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आज आपने जो टॉपिक स्टडी किए, स्टार्टिंग में क्या था बताइए, स्टार्टिंग में मिनरल न्यूट्रिएंट्स, देन हाइड्रोपोनिक्स, एसेंशियल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, क्रिटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो माइक्रो का मीन्स क्या होता कि इनको क्लासिफाइड किया गया कि क्वांटिटी के बेस पे, जिनकी क्वांटिटी कम है या जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे आता कि मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनका मेन इम्पोर्टेंस क्या होता, एसेंशियल एलिमेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शन, दे पार्टिसिपेट इन द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब जो भी एसेंशियल एलिमेंट है इनका वर्क क्या होता, प्लांट्स की मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करना। दीज एलिमेंट इट हेल्प द रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट सेल, सच एज परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या कर रहा, क्या मेंटेन कर रहा, परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, किसको मेंटेन कर रहा, जो ऑस्मोटिक वैल्यू है उसको मेंटेन कर रहा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके बाद बफरिंग एक्शन, इसके बाद क्या आया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दी आर डिफरेंट इवेंट्स इन्वॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इनका जो एक स्पेसिफिक वे बताया, इट इज़ अ स्पेसिफिक वे द फंक्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो। फर्स्ट, परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, थर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फोर्थ, बफरिंग एक्शन, फिफ्थ, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ETC। अब यहाँ पे वन बाई वन फंक्शन बताए गए, और ये फंक्शन जनरली बताए गए माइक्रो के कि मैक्रो के, बताइए ये सभी फंक्शन आएंगे अभी मैक्रो के, इसके बाद माइक्रो बता देंगे। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन। फर्स्ट आज सिर्फ मैं बताऊंगा आपको, फर्स्ट या सेकेंड ही बताऊंगा, बाकी पॉइंट बाद में बताऊंगा। और बताते रहिए कहाँ कहाँ पे आपको डाउट है, और सब्सक्राइब भी करते रहिए। फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन, दिस इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट सेल इन द ग्रेटर अमाउंट। प्लांट सेल नाइट्रोजन का अमाउंट को क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट में करता है ऑब्टेन। इट इज़ एब्जॉर्ब एज द नाइट्रेट, किस फॉर्म में नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा, NO3 नाइट्रेट फॉर्म में। तो प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन एज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में कर रहा, NO3 फॉर्म में। देन सम आर आल्सो टेकन एज द NO2, कुछ किस फॉर्म लेते हैं, NO2 या कुछ अमोनिया फॉर्म में, NO2 या अमोनिया NH4। तो जनरली एज या तो किस फॉर्म लेंगे, NO3 या NO2 या NH4 अमोनिया, इन फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। नाइट्रोजन का वर्क क्या होता, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, पर्टिकुलर द मेरिस्टमेटिक टिश्यू। प्लांट में आपने स्टडी किया हो टिश्यू में,
मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिक एक्टिव सेल, मतलब दो पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, नाइट्रोजन इट हेल्प द मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड पॉइंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, प्लांट से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको मेंटेन करता है। देन नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन, इन सभी में नाइट्रोजन होता है। किसमें होता? फर्स्ट पॉइंट प्रोटीन, सेकेंड पॉइंट न्यूक्लिक एसिड, थर्ड पॉइंट विटामिन और लास्ट पॉइंट हार्मोन्स। इन सभी में क्या होता बताइए, इन सभी में क्या होता? नाइट्रोजन। सपोज ऑब्जेक्टिव पूछ लिया प्रोटीन में क्या है, आंसर दे दिया हम नाइट्रोजन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन, सभी में कंटेन होता नाइट्रोजन। और इसका वर्क कहाँ पे होता? मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड दूसरा क्या बताया था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इट हैव द मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रोसेस। अब यहाँ पे ये तो आपने स्टडी किया नाइट्रोजन, अब जब नाइट्रोजन आपने स्टडी कर लिया तो दूसरे एलिमेंट भी तो थिंक करेंगे कि हमारा भी इम्पोर्टेंस बताइए, बोलेंगे। तो दूसरे एलिमेंट्स क्या आ गए, फॉस्फोरस, पी फॉस्फोरस एब्जॉर्ब प्लांट्स फ्रॉम सॉइल, प्लांट्स फॉस्फोरस को कहाँ से ऑब्टेन करें, सॉइल के मीडियम से, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन H2PO4। ओके, H2PO4 या HPO4 या इस फॉर्म में प्लांट्स फॉस्फोरस को ऑब्टेन करते हैं, इसको आप राइट कर लीजिए, HPO4 या H2PO4। फॉस्फोरस इज, फॉस्फोरस का मेन इंपॉर्टेंस कहाँ पर होता है, इसका मेन इंपॉर्टेंस होता है सेल मेम्ब्रेन, कहाँ पे होता है सेल मेम्ब्रेन। देन सर्टेन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ध्यान रखिए न्यूक्लियोटाइड, तो फर्स्ट क्या होता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, एंड इट इज रिक्वायर्ड द ऑल फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन, जितनी भी फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस होती है वहाँ पे रिक्वायर्ड होता फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस रिक्वायर्ड एज द न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाद आ रहा पोटेशियम, फर्स्ट क्या बताया नाइट्रोजन, सेकेंड फॉस्फोरस, थर्ड पोटेशियम, एंड इट इज एब्जॉर्ब एज द पोटेशियम आयन। पोटेशियम को प्लांट ऑब्टेन कर रहे हैं बट किस फॉर्म में कर रहे हैं, पोटेशियम आयन इन प्लांट दैट इज रिक्वायर्ड मोर एबंडेंट क्वांटिटी इन द मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू में पोटेशियम की क्वांटिटी क्या होती है ज़्यादा, बर्ड एंड लीव्स एंड रूट टिप। पोटेशियम हेल्प इन द मेंटेन द एनायन एंड कैटायन बैलेंस, ये यहाँ पे फंक्शन आ गया। सपोज बोल दिया कि पोटेशियम का वर्क क्या है, तो पोटेशियम इट हेल्प द मेंटेन द एनायन और कैटायन, मतलब इनका वर्क क्या होता है, मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस। तो पोटेशियम इट हेल्प द मेंटेन एनायन एंड कैटायन बैलेंस इन द सेल, एंड इसके अलावा इन्वॉल्व होगा प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसके बाद एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, और लास्ट में मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ सेल, सेल टर्जिडिटी में हेल्प करता है। तो पोटेशियम इट हेल्प द टर्जिडिटी ऑफ सेल। ओके स्टूडेंट, एंड लास्ट पॉइंट हम आज बता रहे हैं आपको कैल्शियम, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। कैल्शियम क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन, किस फॉर्म में ले रहा है कैल्शियम आयन। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, ये भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू में रिक्वायर्ड होता, तो कैल्शियम इट इज रिक्वायर्ड मेरिस्टमेटिक एंड डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यू, जहाँ पे डिवीजन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। कैल्शियम का वर्क क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन में, पर्टिकुलर एज ए कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट कहाँ पाई जाती है, कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट इन मिडिल लैमिना, दैट इट आल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल,
एक पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि माइटोटिक स्पिंडल में किस आयन का इम्पोर्टेंस होता है, तो कैल्शियम एलिमेंट्स इट हैव द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, इट अकॉम्प्लीट इन द ओल्डर लीव्स, इट इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट एक्टिवेट द सर्टेन एंजाइम एंड द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द रेगुलेटिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मीन्स प्लांट्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वहाँ पर इम्पोर्टेंस होता है कैल्शियम का। तो क्या बताया मैंने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। आगे कल हम आपको बताएंगे मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मॉलिब्डेनम एंड लास्ट क्लोरीन। और मंडे को आपका टेस्ट हुआ चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का। हाँ, आप लोग ने डाउट बताते रहिए कि यहाँ पे कोई डाउट है, ये आप लोग थोड़ा कम पूछ रहे हैं, एक दो बच्चे पूछते हैं, उनका रिस्पांस भी अच्छा आया था, बट सभी बच्चे क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहे, तो अपने डाउट बताइए। और हाँ, जहाँ नहीं आया बोल दीजिए टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हम फिर से समझा देंगे। ओके, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे ये टॉपिक और स्टूडेंट तक पहुँच जाए। तो आज का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेन टॉपिक क्या बताया था मैंने आज, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स आर ग्रोइंग एज द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, एब्सेंस ऑफ सॉइल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।